आज मैंने बालों की कटिंग करवाई है और अभी सब देखेंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे। अभी दिखाऊंगी। थोड़ी ज्यादा अब बाल नहीं है मेरी, ये कटिंग है। अभी तक किसी को बताया नहीं, अभी नीचे जाके सबको बताऊंगी। सुनिया ओके करे कटिंग करी है। हां मां कटिंग करी मम्मी कुत्ते की। मम्मी एक डोली की मार, बाद में दिखा सी, एक डोली की मार देखा। सच्ची मम्मी, सच्ची काट ली है मम्मी। दादी फोन 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 कर मेरा तो ये के रुक जाओ तो तेरे कण चोखो बटो फोटने नहीं बो मारी सी तो ठीक है एक नहीं तो मैं इतो ही घुमा दूं इतो कौनी तुरंत ही देख अच्छी लागे तो आगे काम करे दे देख ले बाल तो कटे कटिंग करी सोनी लागी सरो काट लियो ए आगे तू थोड़ा ना बेटा ये हमको तो लागे कुछ लागे मां लगे आई है ये नीचे लटका गई ना अब तो चार पांच महीना साल कंडी को नहीं आवे ना अब आ जाऊंगा वो तो काटी ना अरे बाल काटना ही नहीं थी बाल काटने बेटा लता ले राम भाई ऐसे लग रहा है वो कई बार नाटक देख रहे हैं तेरा। नहीं 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 याद आ गया, वो फिल्म है एक मुझसे शादी करोगी उसके अंदर है ऐसे। लेकिन कोई और ड्रेस में तो मेरी तो रास्ता नहीं, अभी तो बिल्कुल ही कौन सा। आज हम लोग सारे मिलकर के खेत जाएंगे। दादी तो कर दें सीने को तो सीने कर दें। टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय। ओ दी आज ए अब गदा दिन कर दे बाय टाटा। अब कल तू जाई तू मेरे साथ गए, कल तू जाई मेरे साथ गए, कल तू जाई। ए ए चलो खेत चलेंगे भाई आज। उसको बोला आगे गेट है, गेट खोल के थोड़ा सा पैदल चलना है। तो ना 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 पैदल नहीं चलूंगा। नहीं एक नंबर में ले जाए करो तो थे। दो नंबर में ले जाए करो। पक्का पक्का गेट को नहीं खुला, गाड़ी चला लेगी। ठीक है गेट नहीं खोलेंगे, गाड़ी चला लेगी कोई बात नहीं, मैं पैदल चल लूंगा भाई। ये हमारे क्या आपको बताया थे, एक्स्ट्रा गेट और लगा दिए यहाँ पे, आज ये फंसाएगी गारंटी है मेरी। फंसाए तो मुझे तो यहीं खड़ा होना पड़ेगा, आगे तो ये लेके जाएगी नहीं, यहीं पे खड़ा होना पड़ेगा भाई। मुझे डर लग रहा है ये किसी पट्टी वट्टी में नहीं डाल रही। गई यार, अरे यार गई यार, अब गेट बंद करके पैदल जाना पड़ेगा। गई बेटा।
गई बेटा गई। चलो भाई हम लोग तो यहाँ पर रोक देते हैं भाई, ये तो हमसे भी आगे गई। सिया सिया ए सिया, इसको तो गोदी में मुझे ऐसे लेना पड़ गया, ये रह नहीं रही थी गाड़ी में, वो गाड़ी चला रही थी तो ये रह नहीं रही थी। हम तो पूरा विश्वास हो गया फसा सी। हाँ मुझे पूरा विश्वास था बस आएगी पूरी। आ जाओ तो बैठ से बैठ बैठ चला। माना बात पहले ही कह दी मैं को मामा को जिस रोको गाड़ी नहीं फंसी। अभी भी मैं दादी जी को बोल रही थी कि अभी आने के बाद ऐसे बोलेंगे कि गाड़ी तू ही चला, क्योंकि अभी तक गाड़ी फंसी नहीं है, ये सोच रही आगे लेके जाएगी तो जरूर फंसी। ठीक है पक्का हैं देखो कौन लगा माँ के बेटा आज या के नहीं रखा डाय धक्का मैं नहीं लगाऊंगा भाई, मैं धक्का नहीं लगाऊंगा। ठीक है जाओ तो मेरे कौन चला गाड़ी। अरे मां सीधी उठाऊ नीचे बैठे हैंड ब्रेक काटियो हैंड ब्रेक में तो फंस फंसेगी वापस उठ ही नहीं रही। गिर की तरह फंस चुकी है ऑलरेडी। एसी बंद करी तो एसी नहीं बंद की इसने। बैठ बैठ देखो भाई सही बोलते हैं डर के आगे जीत है, ये हमेशा डरती है। सही है एकदम सही है, मैं हमेशा ऐसे डरती हूँ कि भाई फंस जाएगी इसे अच्छा आप ही चला, इसलिए कभी नहीं चलाती। आजा 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 बेबी की टिंगरी के बेबी की टिंगरी। अच्छी कौन लगी तन नाम तो बढ़िया लगी। फिर तो तू ही करवाओगी नहीं अब नो नो तू करवाओगी किसी लच्छी कौन सी चाइनीज देखो भाई हम लोग उसके बाद में आ गए खेतों में। बारिश हुई नहीं मोट के पड़ी देखो छोटी छोटी लगी हुई है ही नहीं मोट एकदम छोटे 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 ऐसे छोटे छोटे खड़े हैं। बीच बीच में ग्वार भी है रे, मैं तो कच्ची फली खाऊंगा ग्वार की कच्ची फलियां। उतरे डावन माँ के वैसे ही होए इंगा सारा ब्लेड है ब्लेड पे सब डिटेक को के होना। ए तो छोटे छोटे कचरे नहीं है तोड़ ले। कचर खचर नहीं कचर कचर जल गई तो ये ये है चल ओ केड़ी लग रही है मुझे भाए बहुत भाए पक्की पक्की फलियां। कच्ची कच्ची गंवार की फलियों में से गंवार खाना चाहिए नी। ओरियो है ओरियो इतनी छोटी सी मतेरी मिली है ये बनी है देखो 29 भी लग रही है। तीस मिनट जाएगी लेसी तुम खा लो। तीस मिनट जाएगी सिया लो बढ़िया लाच भाजी। बढ़िया लाच है लेसी ने ले ले बेटा ले चल खा छा आपा दादी इधर फली तोड़ रही है सब्जी के लिए मोट की माँ मोट की सिया बैठ जा। हमारे से बोलते हैं मोट की छाव में बैठ जा। हाँ ठीक है फली यहाँ पे तो पानी लगा है। चौकी आ रही है पानी तेरे कठों कुंड लगा हुआ है। उन्हें लगे कौन फारग? हैं हैं। अच्छी हो। आई आई। वाह। बगीरी ऐसी होना है। देव 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 रुक। वाव वाव। ले बेटा। ले। ओ खा ले
ये मूंगफली और मूंगफली के अंदर ये बाजरी, ये सुंदर सुंदर पीला पीला घास। चलो अब मैं आपको सच्चाई दिखाता हूँ पूरी। ये हेयर रिंग है, आज सोचा सबको बनाया। वाओ बेटा एकदम आ गया दिखाई, ठीक है। अरे इन आप भी जच गई नहीं, ये देखो ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे सीधा सीधा ऐसे लग रहा है ऐसे। बेटा शर्म आ सी मने, तन कहेंगे शर्म आ है, तू डरोला करेगो कस माटी ये करे हो तो वो मन सुंदरी को नहीं उड़न गे। मेरी दादी के आज काले बाल आ गए भाई, देखो ऐसे। आज कुण से चांद पे जा बैठी मेरी दादी। ये तो मां तेरे नीचले जींट आ गए बारे। नीचे दौड़ा दौड़ा आ गया, दौड़ा आ गया था नीचे। तू लगा तो मेरे, मैं लगाया नहीं अभी, तेने क्यों देख लो मेरे कैमरा में देखा सिर। अरे तेरे सिर मोटो, अरे काकी काकी ट्राई करा, काकी ट्राई करा, अरे काकी ट्राई करा, ए लगा दी, ए लगा दी। गांव में वापस जा रहे हैं, आते टाइम लेट हो गए। खेत से सब्जी लेके अभी सब्जी बनाएंगे और इनके लिए खिचड़ी बनाएंगे। दादी ने तोड़ के भेजी है फड़िया भाई, मैं अब मेरे लिए खिचड़ी बनवाऊंगा, उसके अंदर डालूंगा पौष्टिक खिचड़ी, नॉर्मल नहीं। सब्जियां डाल के दाल, तीन चार प्रकार की दालें, चावल और ये जैसे सब्जी बनाते हैं ना, वो सारी सब्जियां डाल के वो खाता हूँ मैं। जब से मुझे टाइफाइड हुआ था उसके बाद आज तक मैंने गेहूं की रोटी सोगल तो खाई नहीं है। मतलब बाहर जाता हूँ कहीं, मतलब इधर उधर किसी रिश्तेदारी में घर पे तो खानी पड़ती है, वो अलग बात है। बाकी मैं अपने घर पे हमेशा सुबह बाजरे की रोटी और शाम को खिचड़ी पौष्टिक अच्छी वाली बनाए। ऐसे तो शायद एक दो बार कहीं होटल में या कहीं खाने का बाहर का काम पड़ा थोड़ा बहुत तो खाई, पर घर पर या खुद जहाँ पर रहता हूँ जैसे वृंदावन में भी हम लोग रुके थे तो गेहूं की रोटी नहीं खाई। और ये सब इसलिए क्योंकि हमारे लिए गेहूं से ज्यादा बाकी मोटे अनाज होते हैं ना, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे रहते हैं, सबको खाने चाहिए मोटे अनाज। और खिचड़ी के अंदर तो वैसे ही मोटे मोटे अनाज सीधे ही आ जाते हैं, दालें आ जाती है सारी सारी, अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए इसलिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। मैंने ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर करके मंगवाई थी इस तरह की हेयर रिंग, अगर किसी को मतलब थोड़े दिन के लिए सिर्फ फोटो के लिए इस तरह की हेयर डिजाइन चाहिए तो ये अच्छा आइडिया है, बस हेयर रिंग लगाओ पता भी नहीं चलेगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, थैंक यू, राम राम।